कर कफन चाहिए, उसके बाद में लेस जलेगी। जवाब दिया, तुम पिया कैसी बातें कर रहे हो, अपने पुत्र को नहीं पहचान सके। आए, मैं तुमसे कह रही उस दिन की याद करो जिस दिन हमने घड़ा उठवा, तुमने क्या कहा था, मेरा धर्म चला जाएगा। उस दिन तुम्हें धर्म की पड़ी हुई थी, आज बिना कफन के बिना करके लाश जलने नहीं देंगे। आज मैया को सारा हाल समझ में आएगा, अब नहीं महाराज मानेंगे तो हुआ क्या। मजबूरन होकर के दुखिया के पास कुछ नहीं था, तो आधी साड़ी दुखिया के शरीर के ऊपर थी तन पर, वो भी उतार के हरिचंद्र को दे दी। आज पुत्र रोहिदास की लाश का दफन किया, अंतिम संस्कार करने के बाद में एक बात और है परीक्षित महाराज, या तो दुख में नींद सतावे या तो दुख में भूख सतावे। आज मैया तारा दुखिया को नींद में आकर के भाग जा रही है, भागती जा रही है, नींद बहुत तेजी से लगी है, हुआ क्या। विश्वामित्र को मालूम पड़ा, रानी तारा बांह लेती हुई है, मुझे खेल कुछ करना चाहिए। कोई कपटी विश्वामित्र ने क्या किया, आए मुनि ने आए करी चोरी प्रवेश, आए मुनि ने आए करी चोरी, लेकर के विश्वामित्र ने बीच चौराहे पर आए काटी गए चौराहे जाए, इतन दुर्गति मारी मात सती के मठ में Thank you.
इधर वही कपटी विश्वामित्र ने उसी नगर से दो बालक चुरा करके बीच चौराहे पर काट दिए और ये खून लेकर के तारा के मुख में लगा दिया। आवाज लगा दी, डायन आ गई, डायन दो बालकों को डस लिया। ये बात कल्लू के कानों में पहुंच गई। जवाब दिया, कल्लू तुम्हारे यहां नौकर जो है उसे भेज दो, डायन को मरवाओ। आज हरिचंद्र को भेजा, तलवार दी। तलवार लेने के लिए जैसे ही चले, तलवार हाथ में पकड़ ली, सती के मंदिर में पहुंच गए। जवाब दिया, रानी तारा केस पकड़ लिए, खड़ा कर लिया। जवाब दिया, रानी तारा तुम अपने पुत्र को डस लिया तो इसका मतलब ये है किसी के पुत्र तुम छोड़ियो ना। जवाब दिया, पिया आपकी जो इच्छा है वो कर सकते हो, मुझे मारना चाहते हो बिल्कुल मार दो। आज इधर जैसे ही मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, तब तक बरुड़देव देवतागण सारे वहां उपस्थित आ गए। इधर जैसे ही देवतागण आए, जवाब दिया, हरिचंद्र तुम तो बहुत दानवी राजा हरिचंद्र निकले, जैसा कि आपका नाम सुना था वैसे ही निकले। जवाब दिया, तुमने महाराज मेरी परीक्षा ली और इस परीक्षा में तो मेरा